कौन है ये अल्पेश यादव, कहाँ का है ये अल्पेश यादव, जहाँ का भी है बहुत खतरनाक बंदा है भाई। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना इसका आदत है, दूर दूर का रिश्ता है, दूर दूर का रिश्ता है कंट्रोवर्सी से इस अल्पेश यादव का। कभी किसी को ट्रॉल करते हुए पकड़ा जाता है तो कभी नासा आपों का नासा करता है ये अल्पेश यादव। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, कंट्रोवर्सी यानी अल्पेश यादव। कभी सांप से खेलते हुए तो कभी किसी को ट्रॉल करते हुए पकड़े जाते हैं। ट्रॉल करना इनका आदत है, रोस्ट करना इनका आदत है। कहते हैं ना कि भाई कंट्रोवर्सी इनके घर का रास्ता देख लिया, मुसीबत इनके घर का रास्ता देख लिया है। ध्रुव राठी भैया इंडिया के हैं लेकिन रहते जर्मन में हैं, उनको एक वीडियो में ऐसा ट्रॉल किए कि पूरा हिंदुस्तान का पब्लिक हमारे अल्पेश यादव को ऐसे मजाक बना रहा है जैसे कि वो जोकर हैं। और जोकर बना के एकदम छोड़े हैं, इसलिए कहते हैं कि अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग में बहुत अंतर होता है। अनपढ़ अनपढ़ ही रहता है और पढ़े लिखे लोग बहुत चालाक और होशियार होते हैं। रोस्ट ये भी करते हैं। ये अनपढ़ है तो इनका रोस्ट थोड़ा फीका पड़ गया। कहा है कि वो जो भी दिखाए थे वीडियो में अल्पेश यादव धुराठी के प्रति, वो सब का सब फेक है। लेकिन धुराठी भैया अल्पेश यादव के बारे में जितना बताएं सब का सब एकदम सच्चाई बताएं, एकदम विथ प्रूफ के साथ बताएं। हाल ही फिलहाल में हुआ क्या इनके साथ, ईडी का इनके घर पर नोटिस गया कि आप जल्दी आके कोर्ट में मिलिए, नहीं मिलेंगे ना तो फिर हम लोग आ जाएंगे आपके घर, आप पकड़ के फिर बंद कर देंगे जेल में। तो अल्पेश यादव को पता चला, वो विदेश के यात्रा कर रहे हैं, विदेश के वादियों में ऐसे एकदम घूम रहे हैं। घूमिए दबा के कहीं आइए एयरपोर्ट बना तुमको पकड़ ले सब। इसलिए कहते हैं कि जल्दी टिकट करा के इंडिया आओ और जल्दी जाओ। कहाँ जाओ, जेल में नहीं जाओ, जाके पता करो कि किस चीज़ का केस है भाई, काहे तुम्हारे घर पे ईडी का छापा पड़ेगा, काहे पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि किसी को ट्रॉल ना करो, रोस्ट ना करो। बिग बॉस को रोस्ट किए थे, सलमान खान को रोस्ट किए थे, जाके फिर से बिग बॉस में का किए भाई, जाके उसी शो में खुद का नाम क्रिएट किए, अपना पहचान बनाए, रुतबा बनाए और विनर बन के निकले। जब इतना सब किए तो फिर जाना जरूरी था। तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, एक बोलते हैं ना कहावत हिंदी में थूक के चटना, वही तुम करते हो। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। कंट्रोवर्सी में रहो लेकिन इतना भी ना रहो कि तुम्हारे घर का लोग एकदम परेशान हो जाए। राठी अपने वीडियो में बोले थे कि नमस्कार बोला अंकल और आंटी को, लेकिन ये नहीं मानता है। तुमको पता है कि तुम पे कितना केस है। कभी ऐसा ना हो कि भाई तेरा पूरा जिंदगी जेल में कटे, इससे अच्छा है कि ये तू सब ना कर भाई, कहीं जाके बिजनेस करके सेटल हो जा, नहीं तो अपने काम से काम रख ना भाई, मत ले पूरे इंडिया से पांगा, नहीं तो कर देंगे तुमको बारी बारी से लांगा। 23 जुलाई को अगर ये कोर्ट में नहीं पहुँचते हैं तो फिर इन पर कार्रवाई होगा। वही केस है, सांप के जहर के साथ पता नहीं का क्रिएट करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं बहुत खराब करते हैं अल्पेश यादव जी। ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। और आप कृपया करके जल्दी आइए और जाके कोर्ट में पेशी होइए, नहीं तो आपके साथ का होगा ऊपर वाला ही जाने। और ध्रुव राठी इनको इतना ट्रॉल किए कि इनको पूरे हिंदुस्तान का लोग छपरी तो बोलते ही थे लेकिन अब जोकर भी बोल रहे हैं। इन पे बहुत सारे नाम है, कभी गमला चोर तो कभी छपरी तो कभी ये जोकर 2.0।